तो फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेके आए हैं। जी हाँ, इस बार जो हम जानकारी लेके आए हैं वो है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप। जी हाँ, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप की जो वैकेंसी आई है इसमें 65 पोस्ट है। जी हाँ, अलग अलग पदों की वैकेंसी की बात जानकारी है, हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। इसमें स्टोर कीपर, MTS, कुक, ITI के लिए लास्कर, बार्बर जैसी पोस्टें हैं। तो जो फॉर्म आपको मिलेगा था, ये फॉर्म आपको मिलेगा rozgarresult.com पे। तो चलिए सबसे पहले समय ना वेस्ट करते हैं, हम आपको यही बता रहे हैं कि बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप रिक्रूटमेंट 2022 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वैकेंसी के अंतर्गत है। जी हाँ, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 है और 65 पोस्ट है। ये फॉर्म जो चालू हुआ है ये 8 जनवरी 2022 से लेके 28 जनवरी 2022 के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। यानी इसको जो हार्ड कॉपी सबमिट करने की डेट है वो 28 जनवरी 2022 है। तो आपको 28 जनवरी 2022 तक अपना आवेदन भेज देना है। बात करें तो अभी इसके एग्जाम डेट वगैरह किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है। बात करें फीस की, तो जो फीस है फीस 0 है, यानी किसी प्रकार का कोई फीस आपको नहीं देना है। और बात करें हम अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट है जो कैलकुलेट होगी वो लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन से होगी, जो कि हमने आपको बताया था 28 जनवरी 2022 है। यानी आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 28 जनवरी 2022 से होगी, और जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच है। अब चलिए बात करते हैं पोस्ट की। तो स्टोर कीपर के लिए 3 पोस्ट है जिसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। जी हाँ, केवल इंटरमीडिएट 10+2। बात करें हम ITI वाले पोस्टों के लिए, तो जिसमें सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर है, सर्वाइवर है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, तो आप इस तरीके से पोस्ट अलग अलग है। पेंटर है, डेकोरेटर, आप इस देख सकते हैं 22 पोस्ट है टोटल, जिसमें हाई स्कूल के साथ ITI मांगा है या नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है। बात करें हम कुक की, तो कुक में 9 पोस्ट है जिसमें हाई स्कूल के साथ आपको खाना बनाने की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें नॉलेज मांगा है इंडियन कुकिंग का। बात करें हम लेस्कर की, लेस्कर में 6 पोस्ट है जिसमें हाई स्कूल मांगा है। MTS है, MTS में अलग अलग है, देखिए MTS में मैसेंजर है, वॉचमैन है, गार्डनर है, सफाई वाला है, तो इस तरीके से इसमें जो पोस्ट है वो अलग अलग है। और इसमें जितनी भी आप देख सकते हैं सब में हाई स्कूल मांगा है। बात करें हम अगर वाशरमैन की, वाशरमैन में 2 पोस्ट है जिसमें हाई स्कूल के साथ आपको क्लोथ क्लीनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हम बात करें अगर बार्बर की, तो बार्बर में 1 पोस्ट है जिसमें भी हाई स्कूल मांगा है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये फॉर्म ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। तो हम आपको बता दें ये फॉर्म ऑफलाइन है। यह फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको सपोर्ट डॉक्यूमेंट साथ भेजना पड़ेगा। तो चलिए हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं और फिर आगे आपको तो आपको सीधे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। जी हाँ, ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। ये बॉम्बे इंडियन ग्रुप एंड सेंटर फिर के पुणे के अंतर्गत है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा हुआ है। तो बात जैसे कि हमने आपको पूरी डिटेल बताई चुकी है कि इसमें 18 से 25 साल क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से पोस्ट है। अब देख सकते हैं आप इसमें आपको इतने डॉक्यूमेंट आपको लगा के भेजने हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फिल ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें आपको हाई स्कूल का जो आपका पास सर्टिफिकेट है, 10+2 का सर्टिफिकेट है, ITI/ITI का सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट है वो आपको भेजना है। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सपीरियंस हो तो वो, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC/ST/OBC के लिए, अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर आपका PH में हो तो उसका सर्टिफिकेट, जो भी आपके प्रकार सर्टिफिकेट है वो सब आपको भेजना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मेन चीज है वो है 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप, यानी आपको 2 लिफाफे भेजने पड़ेंगे जिसमें 22 रुपए का पोस्टल स्टैम्प होना चाहिए। और आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको A4 साइज पेपर पे होगा, वो भी हम आपको भी आगे बताते हैं, इसकी जानकारी भी देते हैं। अब आपको करना है कि आपको इस फॉर्म को भेजना कहाँ चाहिए। जी हाँ, आप कॉलम नंबर 7 पे आप आएंगे। इस कॉलम नंबर 7 पे साफ साफ दिया है कि आपको लिफाफे के ऊपर ये लिखना है, बोर्ड में जो लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या फिर पोस्ट सेलेक्ट कीजिए, और कैटेगरी के अंतर्गत जो सेलेक्ट करके वो लिख के आपको इस पते पे भेज देना है। जी हाँ, इस पते पे आपको भेजना है। फिर से बता दें, द कमेंडेड बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर के पुणे 411003 पे। जी हाँ, इस पते पे आप भेज दीजिएगा। अब बात करें हम फॉर्म की, तो फॉर्म आप ये है देख सकते हैं, पेज नंबर 2 पे आपको फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको टाइप कराना पड़ेगा या आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे पूरा फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आपको मैनुअल अपने हाथ से भरना पड़ेगा, यहाँ आपको अपनी फोटो लगानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको जितनी भी डिटेल है, जैसे पोस्ट कौन, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको इसमें भरना है, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर,
और इतनी सब चीजें आपको भरने के बाद ये देख सकते हैं हाई स्कूल इंटर और आईटीआई का भी डिटेल मांगा है। अगर एक्सपीरियंस हो तो यस या नो में जरूर लिखिएगा। और इसके बाद पूरा भरने के बाद आपको भरना है, साथ ही साथ ऐसे एडमिट कार्ड को भी आपको फिलअप करना है जी हाँ, ताकि इसी एडमिट कार्ड को बाई पोस्ट आपके घर पे भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पेज नंबर 5 और पेज नंबर 4 आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, कुल 3 पेज आपको डाउनलोड करने हैं। यही 3 पेज आपके एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड है, और आप इसको भर के भेज दीजिए। अच्छा फॉर्म है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, केवल अब आपको जो इन्वेलप है इन्वेलप पे आपको भेजना पड़ेगा, बाकी एडिशनल कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरे, और अधिक जानकारी आपको sarkarizal.com और rozgarizal.com पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमेशा ट्रस्टेबल वेबसाइट sarkarizal.com और rozgarizal.com को ओपन कर लीजिएगा। टॉप ऑनलाइन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में और भी फॉर्म मिल जाएंगे। इसी तरह sarkarizal.com आप खोलेंगे तो लेटर सेक्शन में और मिल जाएंगे। आप ट्विटर, फेसबुक, कुएप, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं sarkarizal.com और rozgarizal.com आपको उपलब्ध है, और साथ ही साथ आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर नई वीडियो लेके आपके पास जल्द ही हम हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।